हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर 35। ऑर्डर 35 सिविल प्रोसीजर कोड का आज समझेंगे कि ऑर्डर 35 क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर 35 कहता है कि इंटरप्लीडर सूट अंतरा विवाद की बात के बारे में बताता है कि इंटरप्लीडर सूट क्या है, कहाँ संस्थित किया जा सकता है और इसका प्रोविजन कहाँ दिया गया है और कौन व्यक्ति इस बात में बात को संस्थित कर सकता है, यानी कि इंस्टीट्यूट कर सकता है कोर्ट में। तो सबसे पहले इंटरप्लीडर सूट के बारे में बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड CPC की धारा 88 में और आदेश 35 में, ऑर्डर 35 में और सेक्शन 88 में बताया गया है कि इंटरप्लीडर सूट क्या है और कहाँ संस्थित किया जा सकता है। अब हम समझेंगे कि इंटरप्लीडर सूट होता क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए जो बी का दोस्त है, बी को कुछ गहने अपने पास रखने के लिए कहता है जब तक कि वह कोलकाता से वापस ना आ जाए, और तभी सी जो भी बी का दोस्त है वह कहता है कि ए ने जो गहने दिए हैं वह मेरे हैं तो मुझे वापस कर दो। अब जो बी है वह कंफ्यूज हो जाता है कि वह इस स्थिति में क्या करे, ए भी उसका दोस्त है और सी भी उसका दोस्त है, तो गहने किसके हैं उसको नहीं पता। तो उस केस में वह फंस जाता है कि मैं गहने किसको वापस करूं। तो जो बी है उस पर ऑप्शन है वह कोर्ट में जाकर इंटरप्लीडर सूट अंतर्विवादी वाद दाखिल कर सकता है और कोर्ट से कह सकता है कि आप डिसाइड करिए कि जो यह गहने हैं वह किसके हैं। तो इस तरीके से जो बी है वह इस झमेले में ना फंस के कोर्ट के पास जाकर इंटरप्लीडर सूट दाखिल करके कोर्ट में जो कोर्ट डिसीजन देगा वह उसका लास्ट डिसीजन होगा कि गहने किसके हैं, असली जो मालिक है उन गहनों का कौन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्लीडर सूट कौन दाखिल कर सकता है। अगर कोई इस सिचुएशन में फंसता है तो वह व्यक्ति इंटरप्लीडर सूट दाखिल कर सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर धारा 88 क्या कहती है। धारा 88 कहती है वेयर इंटरप्रीटर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड, कहां अंतर्विवादी वाद संस्थित किया जा सकता है, जहां दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण धनराशि या संपत्ति चाहे वे मूवेबल हो या इमूवेबल के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा कर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं जो परिवारों या खर्चों कोर्ट से भिन्न किसी हित का दावा नहीं करता उसमें, और जो अधिकारवान दावेदार है को उसे देने और प्रेरित करने के लिए तैयार है, कहा वहां ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध अंतर्विवादी वाद इंटरप्लीडर सूट दाखिल कर सकता है कोर्ट में उस व्यक्ति के बारे में जिसे संदाय या परिदान किया जाएगा डिसीजन प्राप्त करने और अपने लिए परित्राण प्राप्त करने के प्रयोजन से इंटरप्लीडर सूट संस्थित कर सकता है। परंतु यदि पहले से ही कोई केस कोर्ट में केस चल रहा है तो उस केस में और उससे जो व्यक्तियों के बीच में विवाद है वह सोल्व हो रहा है, राइट्स पता चल रहे हैं, तो कोई अन्य इंटरप्लीडर सूट दाखिल नहीं किया जाएगा। अगर उस केस से जो पहले ही दाखिल है उस केस से उनके राइट्स अगर उसका डिसीजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 35 सिविल प्रोसीजर कोड की कि इसमें क्या कहा गया है। ऑर्डर 35 का रूल 1 कहता है कि इंटरप्लीडर सूट के
उसके बात पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा। पहले एक कहता है, यह लिखा जाएगा कि जो वादी है जिसने यह सूट दाखिल किया है वह उस केस में हुए खर्चों के अतिरिक्त कोई दावा नहीं करता, बस उसे खर्चे मिल जाएं जो केस दाखिल करने में उसकी तरफ से किए गए हैं, इसके अलावा वह कोई अदर दावा नहीं करता। नेक्स्ट है, डिफेंडेंट के द्वारा किए गए पृथकता दावे कथित किए जाएंगे, कोई अदर सूट चल रहा है तो वो लिखा जाएगा। थर्ड है, यह लिखना होगा कि वादी और प्रतिवादियों में कोई दूसंधि नहीं है, आपस में प्रतिवादियों के बीच कोई दूसंधि नहीं है, वो आपस में मिले हुए नहीं है। रूल टू कहता है ऑर्डर 35 का कि जो दावाकृत चीज है वह न्यायालय में जमा करने योग्य है तो न्यायालय में जमा करा दी जाए, ये कहता है रूल टू। रूल थ्री कहता है कि वहां क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा जहां प्रतिवादी वादी पर वाद चला रहा है, तो ये सारा डिफाइन किया गया है रूल थ्री में। रूल फोर कहता है कि पहली सुनवाई में ही न्यायालय क्या कर सकता है, वह वादी को उन्मोचित कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है कि आप कोर्ट तक केस लाए, अब हम देख लेंगे कि हकदार कौन है, वह वादी को हटा सकता है, खारिज कर सकता है उसको, या यदि न्यायालय को लगता है कि वादी को अंतिम निपटारे तक रखना जरूरी है तो वह रख भी सकता है। जहां प्रथम सुनवाई पर निर्णय नहीं हो पाता तो विवादकों की विरचना के लिए या विचारणा के लिए आदेश कर सकता है, या मूल वादी के बदले में किसी अतिरिक्त दावेदार को वादी बना सकता है, ये सारा क्या कर सकता है रूल फोर में बताया गया है। रूल फाइव कहता है कि अभिकर्ता एजेंट जो है वह अपने मालिक पर कोई इंटरप्लीडर सूट दाखिल नहीं कर सकता, और जो किराएदार है वह अपने मकान मालिक पर कोई इंटरप्लीडर सूट, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरप्लीडर सूट दाखिल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, रुपयों का बॉक्स, एक बॉक्स अपने अभिकर्ता एजेंट को जो काम करता है उसके साथ अपने उसके पास रखने को देता है, गार्ड जो कहता है कि वह जो रुपयों का बॉक्स है वो मेरा है, तो जो एजेंट है वह अपने मालिक के यानी कि अंगेश इंटरप्लीडर सूट दाखिल नहीं कर सकता क्योंकि वो एजेंट है। सेकेंड है कि अगर रूल सिक्स कहता है कि वादी के खर्चों का भार उस व्यक्ति पे होगा जिसे न्यायालय उचित समझे, कि जो खर्चे किए गए हैं इंटरप्लीडर सूट दाखिल करने में वादी के द्वारा, उसके जो खर्चे हैं समझ कर से किसके द्वारा लुटाए जाएंगे, कौन इसका किस पे इसका भार होगा, ये सारा बताया गया है रूल सिक्स में। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यूजफुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और शेयर माई वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।